इंजीनियर सिटी चैप्टर गोरखपुर के नए कार्यकारी का शनिवार को बैंक रोड स्थित निजी होटल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर संस्था के इंजीनियर ए.एन. त्रिपाठी ने नए चयनित कार्यकारी के अध्यक्ष इंजीनियर आशुतोष चंद्रा व सचिव इंजीनियर अनिश कुमार, उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस संबंध में अध्यक्ष आशुतोष चंद्रा ने बताया कि आज सिटी चैप्टर गोरखपुर की कार्यकारी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। इस अवसर पर संस्था के नए सदस्यों को एक दूसरे से मिलवाया गया है एवं एपीजीसी सदस्यता प्रमाण पत्र भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष 2023-24 में मुझे अध्यक्ष चुना गया है। संस्था के कार्य और दिशा निर्देश मुझे दिए गए हैं, उसको मैं और मेरी पूरी कार्यकारी जो भी संस्था और उसके सदस्यों के लिए तरक्की के रास्ते पर होगा उसके लिए हम और हमारी टीम निरंतर कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता यह है कि जगह जगह जो भी संस्थाएँ हैं जहाँ किसी प्रकार की समस्या आ रही है उनको सुचारू रूप से बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस अवसर पर कोऑर्डिनेटर इंजीनियर अमित कुमार, इंजीनियर राजेश सिंह, शाह आलम उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंजीनियर सिटी चैप्टर गोरखपुर के सचिव पवनीश कुमार व अध्यक्ष आशुतोष चंद्रा ने कहा, यह शपथ लेता हूँ मैं अपने पद की गरिमा के अनुसार अपना कार्य आचरण व्यवहार रखूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि अपनी बौद्धिक शैक्षिक एवं मानसिक क्षमता का पूर्ण प्रयोग करते हुए संस्था के नियमों का पालन करूंगा एवं इसके उद्देश्य पूर्ति तथा प्रगति हेतु निरंतर प्रयासरत रहूंगा। उसके समक्ष यह शपथ लेता हूँ कि मैं अपने पद की गरिमा के अनुसार अपना कार्य आचरण व व्यवहार रखूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि अपनी बौद्धिक शैक्षिक एवं मानसिक क्षमता का पूर्ण प्रयोग करते हुए संस्था के नियमों का पालन करूंगा एवं इसके उद्देश्य पूर्ति तथा प्रगति हेतु निरंतर प्रयासरत रहूंगा। थैंक यू। इसी तरह से ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स की ही संस्था है, वो भी चाह रही है कि अपना चैप्टर गोरखपुर चैप्टर हमारा भी खोल लीजिए। मैं अलग अलग काम करती है, जितनी संस्थाएं होंगी उतने आपके हित में ही काम करेंगी, इससे कहीं कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जितनी संस्थाएं होंगी सब किसी न किसी रूप से देखिए तो बड़ा लड्डू है तो ध्यान से छोड़ दीजिए जानबूझकर। सर मुझे सचिव पद मिला है, मेरी प्राथमिकता यह रहेगी कि शहर के विभिन्न जो भी क्षेत्र हैं, गीडा है, TDA है, जिला पंचायत है, उन सभी में जो भी हमारी योगदान मिल सकती है शहर को आगे बढ़ाने के लिए, मल्टी स्टोरेज में, फैक्ट्रीज में, हमने कोरोना टाइम में ऑक्सीजन प्लांट का भी वर्क किया है,
और कोरोना में जिस समय लोग परेशान थे, हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट का एक गठन किया जिसके ऑनर श्री मानस सिंह जी हैं, और हम लोग शहर को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहते हैं। हमारे यहाँ के पैटर्न श्री JP अग्रवाल सर हैं, हमारे अध्यक्ष आशुतोष चंद्रा जी हैं, और हमारे पैटर्न सतीश सर, अजय श्रीवास्तव सर लोग हैं। हम लोग शहर को जितना भी आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए तत्पर रहते हैं, सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सारे भाई मिलकर कार्य करते हैं और शहर की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। जो भी दिक्कतें आती हैं, रोड नाले हर चीज़, शहर में जो भी ट्रैफिक की समस्या है उसको निजात दिलाने की प्रक्रिया करते हैं, और एसोसिएशन के तहत लोगों को जागरूक भी करते हैं कि किस तरह से वो कार्य कर सकते हैं, घर का नक्शा पास करवा सकते हैं, और आगे बढ़ के लोग आते हैं, नक्शे भी पास करवाना चालू हो गए, हर जगह कार्य चल रहा है और शहर को अग्रसर हम लोग करते रहते हैं। मेरा नाम आशुतोष चंद्रा है, मैं पेशे से एक इंजीनियर और वैलोर में स्ट्रक्चरल डिजाइनर हूँ। आज गोरखपुर APGC सिटी चैप्टर का नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल 2023-24 के शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज रहा है। इस अवसर पर हमारे संस्था के संरक्षक JP अग्रवाल साहब, संस्था के नए हमारे जो पेट्रोल हैं सतीश सिंह जी और श्री नवीन प्रकाश सिंह जी हैं, संस्था के पूर्व अध्यक्ष नीरज गौतम, इंजीनियर अजय श्रीवास्तव, इंजीनियर सीएम मणि, इंजीनियर सुनील सिंह, इंजीनियर RC पांडे, संस्था के वरिष्ठ सदस्य और सामान्य सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर संस्था के नए मेंबरों का इंट्रोडक्शन किया गया तथा APGC मेंबरशिप सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हाँ, हम आगामी वर्ष 2023-24 के लिए नई टीम में अध्यक्ष मुझे मनोनीत किया गया है। संस्था के कार्य जो दिशा निर्देश मुझे दिए गए हैं उसको मैं और मेरी पूरी कार्यकारी, जो भी संस्था और सदस्यों के लिए प्रगति के रास्ते पर होगा उस निरंतर पास हम हमारी टीम फिल करते रहेंगे। सर, क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारी प्राथमिकता है कि हमारे जो प्रोफेशनल हैं, जो आए दिन बाधाएँ आ रही हैं, विभिन्न विभिन्न विभागों में बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे इंजीनियर्स का आए दिन समस्याएँ आती हैं, जैसे कि कई ऐसे समस्याएँ थे जो पूर्व में, जिसको मानचित्र विभाग में कई विभाग ऐसे थे जिसमें कई अवरोध थे, उनको दूर करके उसको सुगम और सुचारू रूप से बनाने की कोशिश निरंतर प्रयास रहेगी।